बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, मौला मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, क्या मैं अपनी माँ के लिए सदका दे सकता हूँ? सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जी बिल्कुल कर सकते हो, तुम अपनी मरहूमा माँ की तरफ से सदका करो और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। फिर ये बंदा अगला सवाल करके कहता है कि मौला, मुझे दुनिया का कोई ऐसा बेहतरीन अमल बताएं जिसे मैं अपनी माँ की तरफ से बतौर सदका सर अंजाम दूँ और मेरी माँ की बख्शिश हो जाए। सैयदुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ की तरफ से बेहतरीन सदका यह है कि तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कितना अजीम अमल है किसी प्यासे को पानी पिलाना। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी प्यासे को शरबत पिलाओ या जाओ किसी प्यासे को दूध पिलाओ, बल्कि मेरे आका ओ मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपनी मरहूमा माँ की तरफ से बतौर सदका किसी प्यासे को सिर्फ पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे आका ओ मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।